मैम टेस्ट कब लेंगी? नंबर हो तो फोन कर दीजिए ना। हाँ मैम कौन से चैप्टर का? हाँ बेटा सिविक्स कर लेंगे। मैम नेक्स्ट वीक में टेस्ट। मैम मैम नेक्स्ट वीक में टेस्ट लीजिएगा। नो मैम कल सही है। इनफ टॉकिंग, वी वर डूइंग द गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग द फिफ्थ लेसन ऑफ हिस्ट्री, रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। ओके एंड हम कल टेस्ट ले लीजिएगा। ओके पहले ध्यान दो, पहले जो बता रही हूँ उस पर ध्यान दो, बाद में टेस्ट की बात करेंगे हम लोग। ओके आप लोग की इच्छा है मंडे को देना है तो मंडे को ही होगा, ठीक है? ओके यस मैम। ओके नाउ लिसन, पे अटेंशन टू योर क्लास। वी वर डूइंग द चैप्टर रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। ओके एंड वी वर कवरिंग दिस टॉपिक, ओके, इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन। देखो ठीक है ना, एज पर द न्यू बुक, इफ यू हैव द न्यू ट्रेडिशन बुक, ठीक है ना, तो इसमें आपको पता चलेगा कि ये जो बावरी है, ठीक है ना, रानी जी की बावरी और द क्वींस स्टेपवेल लोकेटेड इन बूंदी इन राजस्थान इज द लार्जेस्ट अमंग द 50 स्टेपवेल्स दैट वर बिल्ट टू मीट द नीड फॉर वाटर। ओके, नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चरल ब्यूटी, द बावरी वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1699 बाय रानी नथावत। ओके, द क्वीन ऑफ राजा अनिरुद्ध सिंह ऑफ बूंदी। जिन बच्चों के पास नई किताबें हैं उनमें ये मैटर दिया हुआ है, आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके तो या यस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट द बाउ, पेज नंबर 61 वी वर टॉकिंग अबाउट बाउली एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द बाउली दैट इज देयर इन लखनऊ। ओके भूलभुलैया, ओके वी डिस्कस्ड अबाउट इट। नाउ सी In figure 2.b में हम जो architectural design जो देख रहे हैं वो कैसा है वो, okay, it is a tribate, ठीक है ना, tribate architecture जो है, दो प्रकार के architectures का जो है designs का इस्तेमाल किया जाता था architecture के construction में, one was the tribate and the other one was the arcuate, okay, as far as the arcuate is concerned, see, arcuate जो है आपके figure 5a में है, पेज नंबर 63 में अगर आप देखेंगे फिगर 5a तो आप उसमें जो है आर्कुएट देख सकते हैं। इसमें जो सेंटर स्टोन होता था, ठीक है ना, ट्रिबेट की खासियत क्या थी, ट्रिबेट जो है, ओके, जो डिजाइन था वो पिलर्स पे, उसका जो उसकी मजबूती जो है उसकी नींव दे रही थी, और उसकी नींव क्या थी, पिलर्स थे, चार पिलर्स होते थे और उन चार पिलर्स के ऊपर जो है सुपर स्ट्रक्चर तैयार किया जाता था। ओके तो बेस मजबूत रहता था। Thank you. Thanks a lot. Okay? I'm not telling you. Thank you. I'm telling to sir. Okay? My marker was with Sanjay sir. Yes, ma'am. You know. Okay? So, see, rulers and buildings we were doing. And yesterday we have studied this design which is called the, okay? Which is called the what? It is called the tribate, ठीक है ना? We studied these four pillars. They are giving support. They are giving support to the superstructure. Okay, this was tribate. TRABAETE. And now today we will try to understand the design arcuate. अब arcuate क्या है? ठीक है ना? ये जो arcuate होता था, इसमें क्या होता था? मान लीजिए ये इस प्रकार का structure है. तो सबसे पहले जो है इस स्टोन को एस्टैब्लिश किया जाता था, द सेंटर स्टोन वाज एस्टैब्लिश्ड, ओके, व्हिच वाज कॉल्ड द की स्टोन। जब कभी भी मैसन जो राजमिस्त्री इमारत बनाते थे पहले इस स्टोन को लगाते थे, ठीक है ना, अब इस स्टोन को ही आधार बना के ढांचे इस प्रकार से बनाए जाते थे कि ये जो की स्टोन है, ओके, इसी के चारों तरफ जो है, ओके, देख रहे हैं कि दोनों तरफ जो है ऐसे ऐसे करके जो है स्टोन प्लेस किए जाते थे। Okay, so this was the arcuate. This type of design that was prepared, it was called the arcuate. Okay, now you see in this arcuate, see two technological and stylistic developments are noticeable from the 12th century. The weight of the superstructure above the doors and windows was sometimes carried by arches. Okay, इनको arches कहा जाता है. This architectural form was called arcuate.
अगर हम कंपेयर कर रहे हैं फिगर 2A एंड 2B को फिगर 5A और 5C से, तो दोनों में क्या अंतर हमें दिख रहा है? ओके, अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो व्हाट डिफरेंस वी आर सीइंग? Supposing we are comparing both the structures. Have a look. One side is this and the other side is this. So in this what we see? Something like this is there. Okay? Figure? Yes, ma'am. Okay? What is this? Figure 2A and B. Theek hai na? Ab figure kya hai? Yes, ma'am. 5A and B. 5B. ओके, इसमें हम क्या देख रहे हैं? देखो, ओके, हियर वी हैव द, सपोजिंग दिस इज देयर, हियर इज द कीस्टोन, ओके, दिस इज द कीस्टोन, एंड साइड बाय साइड वी कैन सी स्टोन्स और स्लैब्स आर बीइंग प्लेस्ड, ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ द डिजाइंस, ठीक है ना? अब 5B से संबंधित आप देख सकते हैं ट्रू आर्क. ट्रू आर्क जो बना हुआ है इसी तरीके से, देखो 5A में जो ट्रू आर्क जो दिया गया है, ओके, अब ये जो है ना, ये कीस्टोन, ओके, इसकी जो वेट है, इसको जो है ऐसे करके जो है नीचे की तरफ लाया जा रहा है, ओके, तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ है? सबसे ज्यादा प्रेशर यहाँ पे है, ओके, बट यहाँ पे ये जो डिजाइन जो बन रही है इंट्रीबेट, व्हाट वी सी दिस डिजाइन, ओके, इट इज गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम वेयर? इट इज गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम इट्स बेस, ठीक है ना? ये पिलर्स जो है वो इसको सपोर्ट दे रहे हैं. अगर ये पिलर्स थोड़ा भी डगमगाएंगे, ओके, ये गिर जाएगा. लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं? अगर की स्टोन को आप हटा दे रहे हैं, अगर ये की स्टोन को हटा दे रहे हैं, ये पूरी की पूरी इमारत जो है वो गिर जाएगी, ठीक है ना? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, ओके, बिटवीन द ट्रिबेट, ओके, दिस इज पार्ट ऑफ द ट्रिबेट स्टाइल एंड दिस इज पार्ट ऑफ आर्कुएट, ओके, और इसको हम आर्क कहते हैं. ये जो डिजाइन बन रहा है ना ऐसे करके, इसको हम आर्क कहते हैं, ओके, दिस इज कॉल्ड द ट्रू आर्क. तो हमारे देश में जितने भी आप देखेंगे, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, ओके, मोस्ट ऑफ द मॉन्यूमेंट्स जो हमारे देश में है, अगर आप मंदिरों को देखेंगे, ठीक है ना, अगर आप मंदिरों के निर्माण को देखेंगे, कंदारिया महादेव टेम्पल के मैंने चित्र आपको भेजे थे, उसमें जो सबसे, उसमें आपने सबसे उसका अनोखा चीज देखा होगा शिवलिंग. आपने देखा शिवलिंग कितना बड़ा है उसके अंदर का, ओके, कंदारिया महादेव टेम्पल का, और जो देवी जी, ओके, जो ये राजा राजेश्वर टेम्पल है उसमें जो माता जी को स्थापित किया गया है, उनकी भी प्रतिमा आपको मैंने भेजी थी, ओके, यू कैन सी दैट. सो इट इज मेड ऑफ गोल्ड. यस, इट इज मेड ऑफ गोल्ड. हां, सोने की परत चढ़ी हुई है, ओके, उसके बाद आपने देखा होगा कि कुतुब मीनार के अंदर में एक मकबरा है, ठीक है ना, वो इंटरनल पार्ट. यस मैम. कुतुब मीनार के अंदर का हिस्सा है. जो बच्चे कुतुब मीनार नहीं देखे होंगे या फिर ये सारे टेम्पल्स नहीं देखे होंगे, वो घर बैठे इसका मजा ले सकते हैं, ओके. इट इज फॉर योर इंफॉर्मेशन, आई ट्राई टू मेक द सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग, ओके. सो दिस वाज द टाइप ऑफ डिजाइन दैट वाज अप्लाइड इन द आर्किटेक्चर, ओके, ड्यूरिंग दिस. यस मैम. मध्य युग में जितने भी आर्किटेक्चर्स तैयार हुए थे, मंदिरों का निर्माण जो है वो ट्रिबेट स्टाइल में हुआ, ओके, मंदिरों का निर्माण जो है ट्रिबेट स्टाइल में हुआ. लेकिन बाकी सारे जो मॉस्क हो गए, ओके, मॉस्क हो गए और बाकी सारी इमारतें हो गई, उनमें आर्कुएट का प्रयोग किया गया, ओके. नाउ सी, हैव अ लुक एट पेज नंबर 63 में ध्यान दो. लाइमस्टोन सीमेंट वॉज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन. दिस वॉज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट which when mixed with stone chips hardened into concrete, okay, this made construction of large structures easier and faster. Take a look at the construction site in figure 6. agar aap figure 6 mein aap dekh sakte hain to yahan pe dekho ye mazdoor log hain, ye log kaam kar rahe hain, theek hai na, ye log nirman kar rahe hain, ओके, ऊपर का हिस्सा, ये जो देखो, ये जो इमारत यहाँ पे बन रहा है वो ऊपर का हिस्सा ही, इसको क्या कहेंगे हम, ऊपर का हिस्सा जो तैयार हो रहा है, व्हाट इज दैट कॉल्ड? नो, इट इज कॉल्ड द डोम.
ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड द डोम, ओके द टॉप पार्ट. आर्क, आर्क कहाँ होता था? आर्क जो होता था वो गेटवे में हुआ करता था, जो एंट्रेंस होती थी वहां पे आर्क होता था, ठीक है ना. लेकिन जो मॉस्क है और जो बाकी सारे ताजमहल है, ताजमहल का जो ऊपर का चित्र है आप देखते हैं ना, ताजमहल का जो पिक्चर है, दैट इज कॉल्ड द डोम. यस मैम, इट इज द डोम, डी ओ एम ई डोम, ओके, ठीक है ना. सो सी what the laborers are doing, the tools shown and the means of carrying stones, okay. So what they are using, they are using the ladder, okay. ye log ladder ka upyog karte hain materials ko le jane ke liye. Now see, building temples, mosque and tanks, as we know, okay, take up the heading. Who is this? Kisko dikkat ho gayi hai bhai? Ma'am, ye pata kaun अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा है, देख रहे हो? बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क्स एंड टैंक्स, ओके, वी नो दिस, हमें पता है कि ये जो टेम्पल्स हो गए, ये मॉस्क हो गए और ये टैंक्स हो गए, ये सारे किन के लिए बनवाए जाते थे? ये आम जनता के लिए बनवाए जाते थे, ओके. ऑल दिस वर बीइंग कंस्ट्रक्टेड फॉर द पब्लिक. यस, फॉर द पब्लिक. और राजा महाराजा, राजा महाराजाओं के लिए क्या बनवाया जाता था? आधा वो रहेगा. What kind of buildings were constructed for the kings, the rulers? Tell. Ananya. क्या? Ananya Singh, बताओ. What kind of buildings were constructed for the rulers? We know that two types of buildings were constructed, one for the rulers and one for the general public. तो अगर हम कह रहे हैं कि जनरल पब्लिक के लिए टेंपल्स, मॉस्क और टैंक्स बनवाए जा रहे थे, तो व्हाट वर कंस्ट्रक्टेड फॉर द रूलर्स? नितेश, मॉन्यूमेंट. हां, नोबडी. हां मैम, मॉन्यूमेंट. खुशी गुप्ता मैम, बाउलीस. बाउलीस फॉर जनरल पब्लिक, हां बाउलीस हो सकता है. It can be Bowlies, okay? And it is palaces. Mem palace. Mem palace. Fort. Garden residence. Palace, fort. Garden residence. Yes. Palaces, forts, and gardens. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. All these were constructed for the rulers and the kings. Okay. Now have a look, page number 63. Temples and mosques were beautifully constructed because they were places of worship. इनको बहुत अच्छे से इनका निर्माण हो रहा था. क्यों? क्योंकि ये जो है बहुत अच्छे जो है ये जो है आम जनता के लिए जो है क्या होते थे, आम जनता के लिए जो है लोग स्थान होते थे, ठीक है ना. दे वर आल्सो मेड टू डेमोंस्ट्रेट द पावर, वेल्थ एंड डिवोशन ऑफ द पैट्रन, ओके. सो सी व्हाई वर दीस कंस्ट्रक्टेड. टेम्पल्स वर beautifully okay constructed by, see because the tanks kya hota hai, kutua tanks kutua 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 kutua. मैम नासिफ अंसारी को बोल. लिसन चिल्ड्रन, सी टेंपल्स वर ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज़ दीस वर प्लेसेस ऑफ वर्शिप. दीस वर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ओके. नाउ वन समवन इज आस्किंग मी अबाउट अ टैंक. व्हाट इज टैंक? ओके, टैंक इज समवट लाइक दिस, ठीक है ना. इस प्रकार के जो है टैंक्स बनाए जाते थे, और टैंक्स जहां कहीं भी बनाया जाता था, वाटर टैंक, इट वाज कंस्ट्रक्टेड नियर अ ट्री. दिस वाटर टैंक्स वर क्रिएटेड नियर अ ट्री, ओके. एंड दिस टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड इन फ्रंट ऑफ द हवेलीज, ठीक है ना. जो मर्चेंट्स होते थे या जो बड़े वेल्दी पर्सन होते थे, जो पैसे वाले लोग होते थे, वो अपने घरों के बाहर, ठीक है ना, अपना जो मुख्य द्वार होता था अपने निवास का, उसके सामने जो है दोनों तरफ जो है वो पेड़ लगा देते थे, और पेड़ के पास जो है जल का स्रोत बना देते थे, ठीक है ना. कहीं कहीं पे आप देखेंगे ऐसे करके बड़े से जो है सीमेंटेड टैंक्स हुआ करते थे.
ओके, और इन सीमेंटेड टैंक्स में जो है रेगुलर पानी भर दिया जाता था ताकि उधर से जाने वाले जितने भी जानवर हैं वो अपनी प्यास बुझा सके. ओके, सो दीज टाइप्स ऑफ टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड ओके फॉर द एनिमल्स हु वर पासिंग बाय. इन मेनी केसेस इट वर कंस्ट्रक्टेड फॉर द ट्रेवलर्स, जो पथिक उधर से गुजरते थे वो इन टैंक्स के पानी को पी के जो है अपनी प्यास बुझाते थे. ओके, हु इज दिस? सूर्यांश तिवारी. एडमिशन पता नहीं क्या कर लिख के भेज रहा है. यस सूर्यांश, व्हाई यू हैव रेज्ड योर हैंड? मैम हम ये पूछ रहे हैं कि टैंक्स क्यों पेड़ के पास ही बनाए जाते थे. पेड़ के पास इसलिए बनाया जाता था ताकि पानी जो है गर्म ना हो, पानी ठंडा रहे. अब आप खूब तपती हुई धूप में आप जा रहे हैं, ठीक है, और आपको जो है धूप से भी बचना है. आप थोड़े देर के लिए जो है रेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा रिलैक्स होना चाहते हैं, तो आप क्या छांव ढूंढेंगे ना, शेड ढूंढेंगे ना बैठने के लिए. पेड़ की छांव में अगर आप बैठ जा रहे हैं और साथ ही साथ ठंडा पानी मिल जा रहा है तो क्या आप रिफ्रेश नहीं हो जाएंगे? कंस्ट्रक्टेड अभी भी जो है बहुत सारे जगहों में आपको ये दिख सकता है, ठीक है ना. और पेड़ पे के पास इसलिए भी बनाए जाते थे कि पेड़ पे रहने वाले जो पक्षी हैं वो भी पानी पी सके आराम से. ओके, ठीक है ना. बहुत सारे आप देखते हैं कि गिलहरियां रहती हैं पेड़ों पे, चिड़िया रहते हैं, पक्षी रहते हैं, तो उन सबको भी पानी की जो है कोई परेशानी नहीं होगी. और राह चलते जो जानवर हैं वो भी पानी पी के निकल लेते हैं, ठीक है ना. और इसकी रेगुलर क्लीनिंग भी करवाते हैं लोग. नीचे की तरफ ये जो टैंक होता है ना, ये जो टैंक बनवाते हैं लोग, यार नीचे की तरफ एक होल जैसे रहता है. जब भी पानी जब गंदा हो जाता है ज्यादा, तो इस होल से जो है उस गंदे पानी को निकाल दिया जाता है और फिर यहाँ पे अंदर से स्टॉपर लगा दिया जाता है. ओके, अंदर से स्टॉपर लगा दिया जाता है और फिर पानी को रिफिल कर दिया जाता है, फ्रेश वाटर को. सी, हैव अ लुक. दे वर आल्सो मेंट टू डेमोंस्ट्रेट द पावर, वेल्थ एंड डिवोशन ऑफ द पैटर्न. अब पैटर्न कौन है? हु इज द पैटर्न? इन योर हिस्ट्री बुक यू हैव स्टडीड इन वन ऑफ द चैप्टर्स. पैटर्न से आप क्या समझते हैं? What do you mean by a pattern? बताओ. सहायक. हाँ? सहायक होगा? I don't think so. मेरे ख्याल से तो सहायक नहीं होगा. हाँ? What will be the real meaning of pattern? आवाज कट कट के आ रहा है. आवाज कट कट के आ रहा है मेरा. मैम वो आदमी जो मनी गिफ्ट और अलग अलग चीजें देते हैं. इट वाज देयर इन योर हिस्ट्री बुक इटसेल्फ पैटर्न. आई एम जस्ट सर्चिंग इट वेयर इट इज. ओके, संरक्षक हो जाएगा. नो इट इज नॉट संरक्षक. ओके, मे बी इट इज देयर इन द हिस्ट्री बुक ऑफ क्लास 8 आई थिंक. नो, इट वाज इन योर बुक इटसेल्फ. Yes, page number 11. Take out page number 11. आप अपनी बुक के पेज नंबर 11 को निकालिए. टेक आउट पेज नंबर 11. Yes, ma'am. You can see the meaning of pattern. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप बताओ, what do you have understood? मैं ब्राह्मण. मैम जो संस्कृत को जानता है ब्राह्मण. सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज. मैम ब्राह्मण्स वेल्दी एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन. सबसे पहले जो है आपको इस चीज को समझना होगा, ठीक है ना. ओके, पैटर्न मीनिंग होता है जो कि ओके एक तो ये मीनिंग हो गया वेल्दी एंड इन्फ्लुएंशियल पैटर्न पर्सन, ठीक है ना. जिसके पास ऐश्वर्य होता है, जो प्रभावशाली व्यक्ति होता है, वो अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग निपुण होते हैं, ठीक है ना. जैसे कि मान लो कला के क्षेत्र में कोई निपुण है, ठीक है ना, कोई शिल्पकार है,
जो बहुत अच्छा जो है शिल्प जो कलाकृति बना रहा है, तो कोई जो है डांसर है बहुत अच्छा डांस कर रहा है, कोई सिंगर है बहुत अच्छा गाना गा रहा है, तो इन सारे लोगों को ये पैटर्न्स जो है ये प्रमोट करते थे, ठीक है ना, दे यूज टू प्रमोट देम. ओके, सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द टेम्पल्स, जब हम टेम्पल्स के बारे में बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि दे आर ओके मेंट टू डेमोंस्ट्रेट द पावर वेल्थ एंड डिवोशन ऑफ द पैटर्न, तो एक तरीके से ये अपना ये जो पैटर्न है वो विल बी द पैटर्न, द पैटर्न विल बी द रूलर. ओके, या तो शासक हो सकता है पैटर्न, या तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो मर्चेंट्स थे, ठीक है ना, we can see that there were merchants. Classics के बुक से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे व्यापारी थे, जो पैसे वाले व्यापारी थे, उद्योगपति थे, वो मठ बनवा के जो है बौद्ध भिक्षुकों को दे देते थे, देते थे ना, मोनेस्ट्री में वो लोग डोनेशन करते थे, they used to donate in the monastery, they used to okay construct caravan sarais for the people, जहाँ पे travelers जो है वो बैठ के आराम कर सके, ठीक है ना. So, who were these patrons? The patrons were the rulers. And why they are constructing the temples? They are constructing the temples to demonstrate their power, okay, and wealth. So, I will write this. Now it is clear. So, I can write yes, ma'am. Patrons, okay, constructed the temples. Constructed the temples to demonstrate their wealth, अपने ऐश्वर्य को दिखाने के लिए, okay? To demonstrate their wealth and power, अपनी okay शक्ति को, शक्ति परीक्षण के लिए और अपने ऐश्वर्य को दिखाने के लिए जो है वो मंदिरों का निर्माण करवाते थे, wealth and power, okay? Yes, and when I was teaching you lesson 3, तब आपको मैंने बताया था, कि जो राजा होते थे वो अपना सारा पैसा जो है मंदिरों में लगा देते थे, जितना भव्य मंदिर बन सके वो लोग बनवाते थे. We can take the case of Rajendra, okay? The चोला ruler Rajendra, ठीक है ना, चोला रूलर जो थे राजेंद्र, उनका हम जो है नाम ले सकते हैं, बृहदेश्वरा टेम्पल उन्होंने बनाया, गोंकाय चोलापुरम में उन्होंने बनाया, ओके, तो बहुत सारे जो है मंदिरों का उन्होंने निर्माण करवाया. इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे राजा राजेश्वरा टेम्पल है, ओके, और जैसे कि आप लोग बता रहे हो कि जो मूर्ति मैंने जिसका इमेज भेजा उसमें सोने लगे हुए है, सोने का पत्र चढ़ा हुआ है, तो आप देखो ये सब क्या कर रहे हैं लोग, ये सब राजा लोग अपने ऐश्वर्य को दिखा रहे हैं कि उनके पास कितना पैसा है. अगर हम शाहजहां को कंपेयर करते हैं अकबर के साथ, तो हम देख रहे हैं कि शाहजहां जो है ताजमहल के निर्माण के लिए मार्बल का प्रयोग कर रहे हैं, और मार्बल जो है बहुत कॉस्टली आता था जिस समय काल में ताजमहल का निर्माण हुआ, मार्बल जो है बहुत ही कॉस्टली था, लेकिन ओके चमचमाते हुए संगमरमर से उन्होंने जो है ताजमहल का निर्माण करवाया. किसकी याद में बना था ताजमहल? मुमताज. मुमताज महल. कौन थी मुमताज? मुमताज मैम शाहजहां की वाइफ की पत्नी थी. यस, शाहजहां की पत्नी थी शाहजहां. नाउ सी, हैव अ लुक, देखो यहाँ पे एन इंस्क्रिप्शन मेंशंस दैट इट वाज बिल्ट. सी, टेक द एग्जाम्पल ऑफ राजा राजेश्वरा टेम्पल, यहाँ पे उदाहरण दिया गया. एन इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन को हिंदी में हम क्या कहेंगे? व्हाट डू वी कॉल इंस्क्रिप्शन इन हिंदी? बता, भूल गए साहब? हाँ, इंस्क्रिप्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? शिला लेख. मैम शिलालेख. शिलालेख. अभिलेख कहते हैं, ठीक है ना? ओके, वर्ड्स दैट आर रिटन और कट ऑन वुड. यस, इट इज कॉल्ड अभिलेख. हिंदी में जो है इंस्क्रिप्शन को अभिलेख कहते हैं, ठीक है ना? ओके, और मैनुस्क्रिप्ट को पांडुलिपि कहते हैं. Listen, children, have a look. An inscription mentions that it was built by King Raja Raja Deva for the worship of his god, okay, Raja Rajeshwaram. Notice how the names of the ruler and the god are very similar.
The king took the god's name because it was auspicious and he wanted to appear like god. Through the rituals of worship in the temple, one god, Raja Raja Deva, honored another, Raja Rajeshwaram. ठीक है ना, तो हमारे देश में हम देख रहे हैं कि हमारे जो देवी देवता हैं, ओके, ऐसा माना जाता है कि 33,000 हैं कि 33 करोड़ है, 33 करोड़ जो है देवी देवताएं हैं जिनकी पूजा अर्चना हमारे हिंदू समाज में की जाती है, ओके, हिंदू धर्म में की जाती है. और हम देखते हैं, गौ माता में पाई जाती है ना, ठीक है ना, ओके, हम देख रहे हैं कि हमारे घरों में जो है हमारा नाम जो है भगवान के नाम पे रखा जाता है. जैसे कि सूर्य देव का नाम आदित्य है, ठीक है ना, आदित्य उनका नाम है, तो बहुत सारे बच्चों का नाम आदित्य रहता है. उसके बाद आप देखेंगे भगवान शिव के अलग अलग नाम है, आशुतोष है, सोमनाथ है, रामेश्वर है, सोमेश्वर है, शंकर है, मृत्युंजय है, महाकाल है, कितने सारे उनके नाम है. तो ओके, उनके नाम पे जो है बच्चों का नाम इसलिए रखा जाता है ताकि बच्चों का नाम लेने के बदले जो है हम लोग भगवान को याद कर लें. ओके, एक तरीके से पेरेंट्स ये सोचते थे कि बच्चों को ही बुला के हम भगवान को याद कर रहे हैं. तो यहाँ पे देखो, ये जो चोला किंग रूलर है, सी द चोला रूलर, इफ यू टेक द केस ऑफ चोला रूलर, हु इज चोला रूलर, क्या नाम है इनका? Tell me. राजेंद्र वंश, राजा राजा वंश, राजा राजा देवा, राजा राजा देवा, ठीक है ना. राजेंद्र वंश ये अपने आप को उपाधि दे रखे है, ओके, ही हैज अज्यूम्ड अ टाइटल फॉर हिमसेल्फ. उनका नाम तो राजेंद्र वंश है, ओके, हिज ओरिजिनल नेम इज राजेंद्र वंश, बट ही हैज टेकन दिस टाइटल फॉर हिमसेल्फ. व्हाई? बिकॉज ही थिंक्स ही इज नेक्स्ट टू गॉड, ठीक है ना. जैसे उनके भगवान उनके लिए है पूजनीय है, वो अपने आप को अपनी प्रजा के लिए पूजनीय समझ रहे हैं, इसीलिए अपने आप को जो है ईश्वर के समक्ष रख रहे हैं. ही इज कीपिंग हिमसेल्फ, ओके, इन लियू, ओके, इन बैलेंस विद द गॉड. एंड हु इज हिज डेटी? ही इज वर्शिपिंग चोला रूलर राजा राजा देवा, ओके. ही इज वर्शिपिंग होम, वर्शिप्ड हिज डेटी. Who is his daddy? Raja Rajeshwaram. Raja Rajeshwaram. देखो, ठीक है ना. So why they are keeping identical names? Why they are keeping identical names? This is the name of the god, and this is the name of the ruler. But they are keeping the identical names. Why? Because they want to depict in front of their subjects, अपनी प्रजा के सामने जो है वो अपने आप को, ओके, भगवान के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है ना. तो ये उनका क्या था, एक तरीके से हम मान सकते हैं उनकी जो है उनका जो आदर भाव है अपनी देवता के प्रति, ठीक है ना, देवी, अपने देवी या देवता के प्रति अपना जो आदर है वो व्यक्त कर रहे हैं अपने आइडेंटिकल नाम्स रख के, ठीक है ना. या फिर जो है वो क्या दिखाना चाहते हैं कि जैसे भगवान सबकी पालनहार है, वैसे जो राजा है वो अपनी प्रजा का पालनहार है. ओके, यू हैव सीन दिस इन द केस ऑफ विच मूवी? बाहुबली, देखे हो ना, भल्लाल देव. यस मैम. भल्लाल मैम दाढ़ी वाले अंकल मार देते हैं. भल्लाल देव, व्हाट ही इज थिंकिंग? ही इज थिंकिंग दैट ही इज द गॉड. वो अपनी प्रजा के जो है. लेट अस कम बैक टू द लेसन. हैव अ लुक. द लार्जेस्ट टेंपल्स वेर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स. द अदर लेसर डेटीज इन द टेंपल वेर गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ द एलाइज एंड सबॉर्डिनेट्स ऑफ द रूलर. द टेंपल वाज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाय द किंग एंड हिज एलाइज. एज आई हैव टोल्ड यू, ओके, द टेंपल, व्हाट वाज द टेंपल कंसीडर्ड? टेंपल वाज कंसीडर्ड एज द मिनिएचर मॉडल, ठीक है ना, एज द मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड. एज वी टेक द ग्लोब, जैसे कि हम ग्लोब को लेते हैं और ग्लोब को हम मानते हैं कि वो मिनिएचर मॉडल क्या है, पूरे विश्व का नक्शे का जो है वो एक मिनिएचर मॉडल है, ठीक है ना. ठीक उसी प्रकार जो है टेम्पल्स को जो है विश्व का जो है, पूरे विश्व का जो है एक मिनिएचर मॉडल माना जाता था. ओके,
it was considered as the miniature model of the world. Okay, and it was being ruled by whom? By the kings and his allies. Okay, एक तरफ राजा है और एक तरफ उनके समर्थन करने वाले जो लोग हैं वो हैं. ओके, तो यहाँ पे देखो, as they worshipped their deities together in a royal temple, it seemed as if they brought the just rule of the gods on earth. और जब वो शासन कर रहे थे तो वो दिखा रहे थे कि वो भगवान जैसे पूरे विश्व को संभाले हुए हैं, कर्ता भरता हो गए हैं पूरे विश्व के. ठीक उसी प्रकार राजा महाराजा जो हैं अपनी प्रजा के लिए जो वो हो गए. आपने देखा होगा लेसन वन में, लेसन टू में, महामंडलेश्वरा, उसके बाद त्रिभुवन सम्राट, ठीक है ना, हाँ, चक्रवर्ती सम्राट, अलग अलग उपाधि ये राजा लोग अपने लिए लेते थे, ठीक है ना. तीन जो हमारे जो है तीन जो क्या कह सकते हैं, द थ्री वर्ल्ड. ओके, स्वर्ग, नर्क और क्या, नर्क तो नहीं, स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक, ठीक है ना. इन तीनों लोगों के स्वामी अपने आप को जो है वो घोषित कर रहे थे, ठीक है ना. दे वर डिक्लेयरिंग देमसेल्व्स एज त्रिभुवन सम्राट. ओके, तीनों लोगों के स्वामी. ओके, तो दिस टेम्पल्स वेर कंसिडर्ड. Now, as far as the, this is all related to the Hindu religion. Now, let us come back to the Muslim religion. Have a look. See, Muslim sultans and padshahs did not claim to be incarnation of God. But Persian court chronicles describe the sultan as the shadow of God. Ab dekho, Hindus mein aur Muslims mein kya antar hai? Yes, ma'am. Among the Hindus and the Muslims, one basic difference was there as far as the rulers were concerned. Okay, the rulers, what they are doing as far as the Hindus are concerned, the rulers claimed themselves to be incarnation of God. ठीक है ना, वो अपने आप को भगवान के जो है अवतार समझते थे. भगवान मानते, जैसे नहीं अवतार समझते थे, जैसे कि आप राम जी को ले सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को ले सकते हैं, भगवान कृष्ण को ले सकते थे या ले सकते हैं, ये सारे क्या हैं, भगवान के अवतार हैं. लेकिन मुस्लिम्स जो है रूलर्स जो है वो क्या समझ रहे हैं, रूलर्स छाया मानते थे, मैं भगवान समझ रहे हैं, छाया मानते. नहीं नहीं, छाया समझते थे. ओके, टू बी शैडो ऑफ गॉड, ठीक है ना, अपने आप को जो है भगवान की परछाई समझते थे. ओके, ठीक है ना. तो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स. और अगर हम देखेंगे, अगर हिंदुओं को देखेंगे, कंपेयर करेंगे इन कंपैरिजन विद द मुस्लिम्स, मैं खुद एक हिंदू हूँ. ओके, अब पता नहीं कितनों को अच्छा लगेगा, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे अंदर जो है वीवीआईपी फीलिंग कुछ ज्यादा ही रहती है. हम हिंदुओं के अंदर जो है ये जो वीवीआई